रेलवे सुरक्षा बल ने स्टेशन परिसर में चलाया सघन चेकिंग अभियान। गलत तरीके से पटरी पार करते समय लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इंस्पेक्टर विनोद शर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक सत्यदेव यादव, उच्च अधिकारियों के निर्देश पर परिसर का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान 5 लोगों को पटरी पार करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा स्टेशन परिसर में प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन खड़े करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उप निरीक्षक सत्यदेव यादव ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों पर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। श्रीमान जी, उच्च अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों व आए दिन रेलवे की घटनाओं, जिसमें लाइन क्रॉस करते समय रेल से कट जाना, ऐसी घटनाएं बार बार प्रकाश में आ रही है, जिनके कारण उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश से रेलवे एक्ट ड्राइव की मुहिम चलाकर कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया और पकड़कर रेलवे एक्ट के तहत उनकी कार्रवाई की गई। जो 5 व्यक्ति लाइन क्रॉसिंग में व 7 व्यक्ति रेलवे परिक्षेत्र प्रतिबंधित परिक्षेत्र में वाहन खड़े करने के जुर्म में गिरफ्तार किए गए हैं, गिरफ्तारी करके रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। वहाँ से जुर्माना भरे या जेल जाएँ, ये बात क्या मालूम पड़ता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।